तो अभी हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। देखो ये बात स्ट्रक्चर ऑफ GPCR जिसको बोलते हैं, डिटेल में भी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ GPCR को देखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है, हम लोगों ने ये देखा था, इसका प्रॉपर्टीज क्या था ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा क्या था कि जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर का एक टाइप है। इनफैक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट फैमिली होता है सेल सरफेस रिसेप्टर का, कौन, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट फैमिली इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग बोलेंगे जितना भी सेल्स होता है ना, जितना भी यूकैरियोटिक सेल्स होता है, सारा सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर मिलेगा। और चूंकि ये सारा सेल्स में मिल रहा है ये रिसेप्टर, सारा यूकैरियोटिक सेल्स में ये रिसेप्टर मिल रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा और सेल में क्या कराएगा, सेलुलर रिस्पॉन्स का को कॉज कराएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये लार्जेस्ट फैमिली होता है किसका, सेल सरफेस रिसेप्टर का, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि इसको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर का जो रिसेप्टर होता है वो जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जी प्रोटीन और रिसेप्टर दोनों मिलकर काम करता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। लेकिन जब लाइगेंड के प्रेजेंस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर एक्टिव होगा, हम लोग ये अगर लाइगेंड प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर क्या रहेगा, टर्न ऑफ रहेगा, मतलब ये इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ GPCR या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर डिटेल में, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे करके समझो, ठीक है ना। हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है वो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, ठीक है। इसका मतलब दिमाग में क्या आएगा कि ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करके समझो, देखो यहाँ पर ऐसे करके समझो कि मान लो ये क्या चीज़ है, सेल है, ठीक है ना, ठीक है। और ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या चीज़ है, सेल का क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ठीक है। और ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे ये क्या प्रेजेंट है, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन है, यहाँ पर भी एक इफेक्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सबको मिला के क्या बोलेंगे, इसको मिला के हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है, जो टारगेट सेल में प्रेजेंट है, ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो एक GPCR में, मीन्स एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से यहाँ पर देखो तीन पार्ट है, देखो ध्यान से, ठीक है ना। ये वाला हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला हम लोग बोलेंगे ये पहला पार्ट जो रिसेप्टर है, ठीक है, ध्यान से देखो। दूसरा पार्ट ये वाला है जिसमें मैं जी लिखा हूँ, ये क्या चीज़ है, जी प्रोटीन है, ठीक है। और तीसरा पार्ट क्या है, हम लोग बोलेंगे तीसरा पार्ट देखो ये वाला है, ठीक है ना, ये इफेक्टर मॉलिक्यूल है। तो ये तीन हम लोग बोलेंगे यूनिट्स के मिलने से क्या बनता है, एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बनता है। बताने का मतलब ये हो गया कि हम लोग बोलेंगे जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे थ्री यूनिट्स, या हम लोग बोलेंगे तीन कॉम्पोनेंट्स से मिलकर क्या बनता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बनता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखे कंसिस्ट ऑफ थ्री यूनिट्स, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट यूनिट क्या चीज़ है GPCR का, इसको हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन यूनिट, ठीक है, या RU भी बोलते हैं, या हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर वाला पार्ट, ये वाला, ये जो रिसेप्टर है ना वो वाला पार्ट है, ठीक है। रिकॉग्निशन यूनिट वो क्या करेगा, सिग्नल मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या चीज़ है, रिकॉग्निशन यूनिट, या फर्स्ट यूनिट क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन GPCR का। सेकेंड यूनिट क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे सेकेंड यूनिट जो होता है GPCR की, सेकेंड पार्ट जो होता है GPCR का, वो क्या चीज़ है, ट्रांसडक्शन यूनिट, ठीक है, ट्रांसडक्शन यूनिट, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन, ठीक है। जी प्रोटीन का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे गुआनोसाइन, गुआनोसिन, क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये सेकेंड यूनिट है, देखो ये वाला, ये वाला जो मैं बनाया हूँ ना, ये वाला, ये जो जी लिखा हूँ ना, ये वाला क्या चीज़ है, सेकेंड यूनिट है, ठीक है ना। ये सेकेंड यूनिट हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट यूनिट हो गया। अब जो थर्ड यूनिट जो होता है GPCR का, उसको हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक यूनिट, ठीक है। कैटालाइटिक यूनिट मतलब नाम से लग रहा है, कैटालाइटिक मतलब कोई एंजाइम होगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, कैटालाइटिक यूनिट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो थर्ड मैं बनाया हूँ यहाँ पर, देखो ये वाला, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे थर्ड यूनिट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक यूनिट या इफेक्टर यूनिट, ठीक है। तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है वो तीन कॉम्पोनेंट से, या हम लोग बोलेंगे तीन यूनिट से मिलकर बनता है। पहला यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन यूनिट, या रिसेप्टर वाला पार्ट, ठीक है, जो कि क्या करेगा, लाइगेंड को रिकॉग्नाइज करेगा। दूसरा यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, जी प्रोटीन वाला यूनिट, या फिर हम लोग बोलेंगे ट्रांसडक्शन यूनिट। और थर्ड यूनिट को क्या बोलेंगे, हम लोग कैटालाइटिक यूनिट, या फिर हम लोग बोलेंगे इफेक्टर मॉलिक्यूल। डायग्राम से समझेंगे तो कैसा दिखेगा, देखो ये जो, ये वाला जो ब्लैक कलर से मैं दिखाया हूँ, ये क्या चीज़ है, फर्स्ट
फर्स्ट यूनिट है जिसको बोलेंगे रिकॉग्निशन यूनिट या रिसेप्टर वाला पार्ट। जो जी लिखा हूँ ये क्या चीज़ है, ट्रांसक्शन यूनिट या जी प्रोटीन वाला पार्ट। और ये जो रेड कलर से दिखाया हूँ ये क्या चीज़ है, कैटालाइटिक यूनिट या फिर हम लोग बोलेंगे इफेक्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। ठीक है ना, तो अब देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब ये जो GPCRN है ये वाला, ठीक है ना, इसका जो तीन जो स्ट्रक्चर है, तीन जो यूनिट्स है, उसको मैं एनलार्ज या मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समझो, ठीक है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, ऐसे करके मैं बना रहा हूँ क्या चीज़, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो ये क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, ठीक है, ये क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, तो फर्स्ट यूनिट को मैं बना रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन यूनिट या रिसेप्टर वाला पार्ट। ठीक है ना, तो देखो ये जो ये फर्स्ट यूनिट को मैं बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट यूनिट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन यूनिट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेप्टर। ठीक है, तो ध्यान से अगर तुम लोग देखो तो ये जो रिसेप्टर है, ठीक है, ये जो रिसेप्टर है ये कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, मतलब ये सेल सरफेस रिसेप्टर है। और इसका हम लोग बोलेंगे, चूंकि ये प्रोटीन का बना होता है इसीलिए इसका दो टर्मिनल होता है, एक को बोलते हैं एन टर्मिनल, एक को बोलते हैं हम लोग सी टर्मिनल। ठीक है ना, ठीक है ना, और इसका भी हम लोग बोलेंगे, मैंने बताया था कि इसका तीन क्या होता है, डोमेन होता है। इस तरफ वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल के बाहर है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, सेल के बाहर है। ये बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला पार्ट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि साइटोसोल की तरफ है, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक डोमेन। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जो भी ये जो रिसेप्टर है, कौन हम लोग बोलेंगे, सबसे पहला जो रिकॉग्निशन यूनिट है, ठीक है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे कि केवल एक पॉलीपेप्टाइड का चेन होता है, और वो हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितना बार स्पैन करता है, क्रॉस करता है, 7 बार। ठीक है, तो इसीलिए देखो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये जो रिसेप्टर होता है वो पॉलीपेप्टाइड है, मतलब ये प्रोटीन का बना होता है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड ये होता है, और यही सिंगल पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, हम लोग बोलेंगे 7 times क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्रॉस करता है या स्पैन करता है। ठीक है ना, तो इसको चलो काउंट कर लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th, और ये क्या हो गया, 7। ठीक है, तो एक ही पॉलीपेप्टाइड का चेन क्या चीज है, 7 times क्या किया, क्रॉस किया, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, चूंकि ये 7 times क्रॉस कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, इसीलिए इस रिसेप्टर को हम लोग क्या, किस नाम से जानते हैं, इसीलिए इस रिसेप्टर को हम लोग जानते हैं सरपेंटाइन रिसेप्टर या सरपेंटीन रिसेप्टर। ठीक है ना, समझ रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब यही वाला देखो रिकॉग्निशन यूनिट में मैंने लिखा है कि ये जो होता है रिकॉग्निशन यूनिट, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है, जो अल्फा हेलिक्स का बना होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, जो कि 7 times क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्रॉस करता है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज आल्सो नोन एज क्या चीज, सरपेंटीन रिसेप्टर। सरपेंटीन का मतलब हो गया 7, ठीक है, 7 times क्रॉस करता है इसीलिए। ठीक है ना, ये मैंने दिखा दिया। अब देखो, अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर देखो अगर ध्यान से, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड का जो चेन है वो 7 times जब क्रॉस कर रहा होता है, तो ये हम लोग बोलेंगे 3 loops का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, देखो ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये वाला loop 1, देखो ये वाला क्या है, loop 1, ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे loop 2, ध्यान से देखना। ठीक है, और ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये वाला लूप, ये थोड़ा सा लंबा होता है ये वाला लूप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं loop 3। ठीक है, ध्यान से देखो, मेरा कहना है कि जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, 7 times क्रॉस कर रहा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो ये 3 loops का फॉर्मेशन करता है, loop 1, loop 2, और ये क्या चीज, loop 3। loop 1, loop 2, और जो loop 3, loop 3 जो होता है ये हम लोग बोलेंगे सबसे क्या होता है, लॉन्गेस्ट लूप होता है, क्या चीज़ में, हम लोग बोलेंगे तीनों लूप्स में। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो इट फॉर्म्स 3 loops, नेमली loop 1 या L1, loop 2 या L2,
या हम लोग बोलेंगे थर्ड लूप थ्री, ठीक है। और जो लूप थ्री होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इज द लॉन्गेस्ट लूप, ठीक है। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट लूप है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस है कि एक्टिव करता है किसको, हम लोग बोलेंगे अगला यूनिट को, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्शन यूनिट, या हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन को, ठीक है ना। ऐसा करते हुए हम लोग देखेंगे, ठीक है, जब लाइगेंड बाइंड करता है तब करता है, वो हम सिग्नलिंग में देखेंगे, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर देखो अभी, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैं क्लियर हो गया। अब हम लोग बोलते हैं कि ये जो रिसेप्टर है इसको हम लोग रिकॉग्निशन यूनिट बोलते हैं, मतलब ये रिसेप्टर है वो क्या करेगा, सिग्नल मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेगा, या लाइगेंड को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है ना। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ साइट होना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन यूनिट, ठीक है ना। तो वो जो रिकॉग्निशन यूनिट होता है ना, तो वो प्रेजेंट होता है इसी रिसेप्टर में, किस लूप में, तो याद रखना है थर्ड लूप में, ठीक है ना। थर्ड लूप का जो 7, 6 और 7 जो पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, एक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होगा, जो ऐसे करके इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन यूनिट। इसी से हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ेगा, इसी से हम लोग बोलेंगे जुड़ता है कौन, सिग्नल मॉलिक्यूल्स, क्या होगा, इसी रिकॉग्निशन यूनिट से क्या होगा, जुड़ेगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है थर्ड लूप में 6 और 7 जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसके बीच में, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जो लाइगेंड बाइंडिंग साइट जो होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे जो सिग्नल मॉलिक्यूल जो इस रिसेप्टर से आके जुड़ेगा, उस वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, लूप थ्री, या फिर हम लोग बोलेंगे जो 6 और 7 जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, लूप थ्री 6 और 7 जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उस पर प्रेजेंट होता है क्या चीज, लाइगेंड बाइंडिंग साइट, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन यूनिट, ठीक है। तो ये अभी तक का पहला जो पार्ट है ना, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन यूनिट या रिसेप्टर वाला पार्ट है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ तक में ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हम लोग इंटर करेंगे दूसरा यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्शन यूनिट या जी प्रोटीन वाला यूनिट, ठीक है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टीयू का मतलब क्या होगा, ट्रांसक्शन यूनिट या जी प्रोटीन वाला यूनिट, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करके समझो, देखो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो रिसेप्टर होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे एक लार्ज प्रोटीन से क्या होता है, लिंक्ड रहता है, ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे कपल्ड रहता है, ठीक है। और वो जो लार्ज प्रोटीन होता है वो हम लोग बोलते हैं मोर देन 300 एमिनो एसिड्स का बना होता है, ठीक है ना, ठीक है। और वो प्रोटीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन, ठीक है, समझो। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रिसेप्टर है, ठीक है, वो रिसेप्टर एक लार्ज प्रोटीन से लिंक्ड रहता है, और वो लार्ज प्रोटीन मोर देन 300 एमिनो एसिड्स का बना होता है, ठीक है। और उसी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन। याद रखना, जो जी प्रोटीन होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे थ्री डिफरेंट सब यूनिट से बनता है। देखो यहाँ पर ऐसा समझो, ठीक है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मतलब ये है जो रिसेप्टर वो किससे लिंक्ड है, हम लोग बोलेंगे लार्ज जी प्रोटीन से लिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लार्ज क्या प्रेजेंट होगा, जी प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ऐसे करके, ठीक है ना, ठीक है। और ये जो जी प्रोटीन है, ये जो जी प्रोटीन है, ठीक है ना, ये जी प्रोटीन का हम लोग बोलेंगे टी सब यूनिट्स होता है, मतलब ये जी प्रोटीन 3 डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है ना। एक सब यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सब यूनिट को हम लोग बोलते हैं अल्फा सब यूनिट, ठीक है ना। दूसरा सब यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा सब यूनिट को हम लोग बोलते हैं बीटा सब यूनिट, ठीक है। और जो थर्ड सब यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गामा सब यूनिट, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो अल्फा सब यूनिट है ना, ये वाला, ये जो अल्फा सब यूनिट होता है, ये अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन एंकर रहता है किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो लिपिड का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें ये एंकर रहता है, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर जो गामा जो सब यूनिट होता है वो भी हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन में क्या होता है, मेम्ब्रेन से क्या होता है, एंकर रहता है, ठीक है ना। बस बीटा सब यूनिट ऐसा होता है जो हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, गामा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग, तो ये जो जी प्रोटीन है ना, वो जी प्रोटीन लार्जेस्ट प्रोटीन है, ठीक है, और जो कि हम लोग बोलेंगे मोर देन 300 एमिनो एसिड से बना होता है, ठीक है। और जिसमें हम लोग बोलेंगे 3 डिफरेंट सब यूनिट पाया जाता है, एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरा को बोलते हैं बीटा, तीसरा को बोलते हैं गामा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 डिफरेंट सब यूनिट, क्योंकि 3 डिफरेंट है ना, इसीलिए यहाँ पर टर्म हम लोग देते हैं हेटेरो। हेटेरो का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, ठीक है ना। और 3 से क्या आएगा, ट्राई, ठीक है, ट्राइमेरिक जी प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर जो अल्फा जो सब यूनिट होता है वो हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड, जो लिपिड का जो बाइलेयर होता है उसके साथ एंकर रहता है, गामा हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर के साथ क्या रहता है, एंकर रहता है, ठीक है ना। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जो जी प्रोटीन होता है ना
वो जी प्रोटीन हम लोग बोलेंगे जीपीसीआर के साथ लिंक होता है, ठीक है। और ये जो जी प्रोटीन होता है वो हम लोग बोलेंगे मोर देन 300 एमिनो एसिड से बनता है, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे कंसिस्ट करता है थ्री डिफरेंट क्या चीज सब यूनिट्स, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, जिसको हम लोग जी प्रोटीन बोलते हैं या हेटरोट्राइमेरिक प्रोटीन बोलते हैं, ये जो मैं यहाँ पर बताया, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो अल्फा सब यूनिट होता है ना, चूंकि जी प्रोटीन है ना, इसीलिए हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन वैसा प्रोटीन होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे एटलीस्ट जीटीपी बाइंडिंग साइट हो। तो यहाँ पर देखो ये जो जी प्रोटीन होता है ना, उसमें जो अल्फा सब यूनिट होता है, उस अल्फा सब यूनिट से हम लोग बोलेंगे क्या चीज जुड़ा हुआ रहता है, जीडीपी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। जब भी कभी भी कोई भी प्रोटीन में याद रखता है जीडीपी जुड़ा हुआ रहेगा तो वो इनएक्टिव होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी कभी भी कोई भी प्रोटीन से अगर जीडीपी जुड़ा हुआ रहेगा तो वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। लेकिन जब वो जीडीपी डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब अभी ये प्रोटीन क्या चीज है, इनएक्टिव है। वैसे भी तो देखो ना, इसीलिए भी इनएक्टिव है ना, क्योंकि अभी तक हम लोग बोलेंगे ये जो रिसेप्टर है वो सिग्नल मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं किया, इसीलिए क्या चीज है, ये इनएक्टिव है। जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जीडीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये एक्टिव हो जाएगा। तो कैसा होगा वो हम लोग सिग्नलिंग पाथवे में देखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर देखो, ठीक है, तो ये क्या चीज होगी, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन के बारे में, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये भी मैंने लिखा, जो अल्फा और जो गामा सब यूनिट होता है वो जी प्रोटीन जो होता है, जी अल्फा और गामा सब यूनिट जो जी प्रोटीन का होता है वो हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स के साथ क्या रहता है, एंकर रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये एंकर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अल्फा और गामा क्या चीज है, एंकर्ड है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो थर्ड जो सब यूनिट थर्ड जो पार्ट होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालाइटिक यूनिट, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इफेक्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, ठीक है, तो अभी हम लोग देखो क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से, ये जी प्रोटीन जो है ना, जस्ट जी प्रोटीन के बगल में देखो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये वाला मेम्ब्रेन में ही हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है ऐसे करके। इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक यूनिट, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कैटालाइटिक यूनिट। तो मैं यहाँ पर सी यू लिख रहा हूँ, सी यू मतलब कैटालाइटिक यूनिट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टर मॉलिक्यूल, ईएम का मतलब हो गया इफेक्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इफेक्टर मॉलिक्यूल और कैटालाइटिक यूनिट क्या चाहिए हम लोग बोलेंगे, ये भी हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का पार्ट है, ठीक है ना। और यही हम लोग बोलेंगे कैटालाइटिक यूनिट और इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर मतलब साइटोसोल में क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, इंट्रा सेल्यूलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स को बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड मैसेंजर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड मैसेंजर बोलते हैं, ठीक है। तो कैटालाइटिक यूनिट याद रखना, तभी सेकेंड मैसेंजर या इंट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स को बना पाएगा जब ये रिसेप्टर किसके साथ जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे लाइगेंड के साथ जुड़ेगा, तभी हम लोग बोलेंगे सारा का सारा यूनिट्स क्या होगा, एक्टिव होगा। और ये यूनिट जो कि कैटालाइटिक यूनिट है, कैटालाइटिक का मतलब क्या होता है, कैटालिसिस, कैटालिसिस का मतलब हो गया ये एंजाइम है, एंजाइम ही क्या करता है, ये कैटालिसिस करता है या केमिकल रिएक्शन करता है। तो ये कैटालाइटिक यूनिट याद रखना एंजाइम्स होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ये कैटालाइटिक यूनिट क्या होगा, एंजाइम्स होगा, ठीक है। और ये एंजाइम्स का नाम क्या चीज होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसा एंजाइम का नाम रहेगा तो वैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो सेकेंड मैसेंजर बनेगा या इंट्रा सेलुलर जो सिग्नल मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम भी क्या होगा, इसके बेसिस पे ही आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर के एंजाइम अगर एडिनाइलेट साइक्लेट होगा तो यहाँ पर का जो सेकेंड मैसेंजर होगा वो क्या होगा, साइक्लिक एएमपी होगा। जैसे कि यहाँ पर गुआनिलाइल ये होगा, गुआनिलाइल साइक्लेज होगा, तो यहाँ पर का जो सेकेंड मैसेंजर होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइक्लिक जीएमपी होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, जो भी सेकेंड मैसेंजर बनता है ना, मैसेंजर बनता है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर एंजाइम्स कौन से, ठीक है। तो थर्ड यूनिट क्या होगी, हम लोग बोलेंगे थर्ड यूनिट ये होगी कैटालाइटिक यूनिट, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, देखो कैटालाइटिक यूनिट जो और जो इफेक्टर मॉलिक्यूल जो है वही मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो यहाँ पर जो कैटालाइटिक यूनिट और जो इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम्स होता है, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होता है, ये वाला कैटालाइटिक यूनिट, ठीक है ना, जो डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। और ये कैटालाइटिक यूनिट जो कि एंजाइम है, तो ये क्या हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, जैसे कि एडिनाइलेट साइक्लेज हो सकता है, ठीक है, पीएलसी मतलब फॉस्फोलाइपेज सी हो सकता है, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज हो सकता है, ये सब सारा का सारा क्या, कैटालाइटिक यूनिट जो एंजाइम है, ठीक है। और ये क्या चीज में हेल्प करता है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कैटालाइटिक यूनिट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स दैट इज सेकेंड मैसेंजर, मतलब ये कैटालाइटिक यूनिट या ये एंजाइम क्या चीज को बनाता है, सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स को बनाता है, और वो सिग्नल मॉलिक्यूल क्या होता है, सेकेंड मैसेंजर होता है। अब ये सेकेंड मैसेंजर करता क्या, तो यही सेकेंड मैसेंजर कुछ पाथवे को रन कराता है, जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे कि सेल में क्या होता है,
सेल्यूलर रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग को पढ़ना है, ये पाथवे को, ठीक है ना। ठीक है, तो यही हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर होता है किसका, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का। तो ब्रीफ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है वो हम लोग बोलेंगे तीन कंपोनेंट से बनता है या तीन पार्ट से बनता है, या हम लोग बोलेंगे तीन डिफरेंट इसका यूनिट्स होता है। पहला यूनिट्स को हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन यूनिट, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रिसेप्टर वाला पार्ट। दूसरा यूनिट को हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन, या फिर हम लोग बोलेंगे ट्रांसडक्शन यूनिट। और जो थर्ड यूनिट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटालिटिक यूनिट, या हम लोग बोलेंगे इफेक्टर मॉलिक्यूल वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर एक चीज है, देखो क्या चीज है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, क्या देखिए ना, ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है, ठीक है, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हमारे इंटायर बॉडी सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब समझ जाओ कि ये हमेशा क्या करता होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करता होगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट फैमिली है, ठीक है। तो ये जो फैमिली है ना, ये जो जी प्रोटीन कपल जो रिसेप्टर है ना, वो तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक कि हम लोग बोलेंगे इसके साथ कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लाइगेंड बाइंड नहीं कर जाए। अगर लाइगेंड बाइंड नहीं करता है, ठीक है ना, हाँ, अगर लाइगेंड बाइंड नहीं करता है जीपीसीआर या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के रिकॉग्निशन यूनिट से, तब हम लोग बोलेंगे जो जी प्रोटीन रहेगा ना वो किसके साथ बाइंड रहेगा, जीडीपी के साथ बाइंड रहेगा, मतलब ये इनएक्टिव रहेगा। और अगर ये इनएक्टिव रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो कैटालाइटिक यूनिट का जो एंजाइम है वो भी इनएक्टिव रहेगा, कोई भी सेकेंड मैसेंजर नहीं बनेगा, कोई भी सेलुलर रिस्पॉन्स नहीं होगा। वैसे भी तो सोचो ना कि कोई लाइगेंड तो है नहीं ना, तो रिसेप्टर क्या काम करेगा, ठीक है। तो सारा का सारा क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम लोग बोलेंगे लाइगेंड आता है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन यूनिट ऑफ क्या चीज, जीपीसीआर से बाइंड करता है, तो ये वाला जो रिसेप्टर जो होता है ना उसमें कॉन्फर्मेशन चेंज आता है, ठीक है। और ये रिसेप्टर का जो L3 लूप होता है ना वो क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे कॉन्फर्मेशन चेंज के कारण ये और थोड़ा क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे ये और थोड़ा क्या हो जाता है, और थोड़ा हम लोग बोलेंगे लॉन्ग हो जाता है। लॉन्ग होने के बाद ये किसके साथ टच कर जाता है, हम लोग बोलेंगे अल्फा सबयूनिट के साथ टच कर जाता है, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या हुआ, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाइंड कर चुका है, ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड कर चुका है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर के साथ, जिसके कारण ये रिसेप्टर में क्या है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आया और ये लूप और ज़्यादा लंबा हो गया, और लंबा होने के बाद ये हम लोग बोलेंगे किसके साथ टच हो गया, किसके साथ जुड़ गया, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन के साथ जुड़ गया। तो जैसे ही जुड़े तो ये जी प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो जीडीपी जो था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे डाइफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सबयूनिट अलग हो जाएगा और बीटा गामा सबयूनिट अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे एफिनिटी क्या है, जो अल्फा और बीटा गामा के बीच का जो एफिनिटी है वो हम लोग बोलेंगे कम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो एक्टिव जो अल्फा सबयूनिट है वो किसको एक्टिव करेगा, हम लोग बोलेंगे किसको एक्टिव करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये एक्टिव करेगा किसको, हम लोग बोलेंगे इफेक्टर मॉलिक्यूल को या कैटालाइटिक यूनिट को, क्योंकि कैटालाइटिक यूनिट है ना ये एंजाइम है, और एंजाइम में हम लोग बोलते हैं क्या होता है, एक्टिव साइट होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये एक्टिव होगा तो ये एंजाइम में क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये एक्टिव साइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब ये एंजाइम एक्टिव हो गया। अभी एंजाइम क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, सेकंड मैसेंजर बनाएगा, वो सेकंड मैसेंजर से कुछ पाथवे चलेगा और हम लोग बोलेंगे कि सेल में क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो ये था एक ब्रीफ आइडिया कि कैसे करके जीपीसीआर एक्टिव होता है, कैसे करके जीपीसीआर इनएक्टिव रहता है, ठीक है ना। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि किसी भी प्रोटीन के साथ अगर जीडीपी जुड़ा हुआ रहेगा, जो कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर किसी भी प्रोटीन के साथ, मान लीजिए कोई प्रोटीन है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे जीडीपी जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा वो प्रोटीन क्या चीज है, इनएक्टिव है, ठीक है, वो क्या चीज है, इनएक्टिव है, ठीक है। अगर कोई भी प्रोटीन के साथ हम लोग बोलेंगे क्या चीज जुड़ा हुआ है, जीटीपी जुड़ा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे वो प्रोटीन क्या चीज है, एक्टिव है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है कैसे करके जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट होगा, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो अभी बताने का मतलब क्या था कि मुझे क्या बताना था, ये स्ट्रक्चर बताना था जीपीसीआर का, ठीक है। तो यही होता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर और क्या चीज, जीपीसीआर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे ना, बार बार ये टर्म आ रही है जी प्रोटीन, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि ये जी प्रोटीन होता क्या है, किसको बोलते हैं जी प्रोटीन, क्या क्या टाइप्स का जी प्रोटीन होता है, क्या जी प्रोटीन साइकिल क्या होता है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये जो जीडीपी होता है वो जीटीपी में कन्वर्ट होता है, एक्टिव होता है, कैसे करके जी प्रोटीन एक्टिव होता है, ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन साइकिल, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।